मलिकता मोहम्मद खान 25 अक्टूबर 1941 को पैदा हुए, जो शहजादा मलिकता के नाम से मशहूर थे। एक पाकिस्तानी जागीरदार और सियासतदान थे। वो पाकिस्तान के शुमाली मगरबी पंजाब के जिला अटक में कोट फतह खान के सरबराह थे। 1990 और 1993 के दरमियान वो पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे। मलिकता अपने घुड़सवारियों के शौक के लिए जाने जाते थे। वो घुड़सवारी और खेमा पैकिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर थे। वो पाकिस्तान में टेंट पैकिंग और बेल रेसों को फरोग देने की कोशिशों के लिए मशहूर थे। वो इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन के नायब सदर थे। 1988 में उन्होंने इस्लामी जमहूरी इतिहाद के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ा। मलिकता मोहम्मद खान ने अपने आबाई हल्का PP15 अटक से दोबारा इंतखाब लड़ा और मुंतखब हुए और सूबाई असम्बली की खिदमत की। 1994 में अपने वालिद की वफात के बाद इमलाक के कम्बा और इंतजाम की जिम्मेदारियां संभाल ली। इसी वजह से वो सियासत में अपना काम जारी रखने से कासिर रहे। मलिकता ने यूरोप, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रियासतहाई मुत्तहिदा अमरीका और हिंदुस्तान में टेंट पैकिंग और दीगर घुड़सवारी चैंपियनशिपों में हिस्सा लिया। 1982 में अता ने दिल्ली में मुनक्किद नवी एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए चांदी का तमगा जीता। एडलाइड, जनूबी ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किदा सालाना रॉयल एडलाइड शो 2010 में अता की क्यादत में पाकिस्तान टेंट पैकिंग टीम थी। अता ने 2010, 2012 और 2013 में पेंटाग्रेड वर्ल्ड इक्वेस्ट्रियन टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम की क्यादत की। मलिक अस्टावल एसोसिएशन गेम्स फ्रांस 2014 में पाकिस्तान टीम के साथ अता को फ्रांस के शहर नूर मंडी में मुनक्किदा 2014 FEI वर्ल्ड सोसाइट्रीन गेम्स में टेंट पैकिंग का मुजाहरा करने के लिए FEI की तरफ से दावत दी गई थी। इफ्तिताही रोज इन्हें एजाज हासिल हुआ कि वो पाकिस्तानी परचम थामे हुए दुनिया के तमाम ममालिक की क्यादत करें। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में फरवरी 2013 में टेंट पैकिंग का एक बैन अल-क़वामी मुकाबला हुआ। ये पहला मौका था जब दो से ज्यादा बैन अल-क़वामी टीमों ने किसी बैन अल-क़वामी इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। हरीफ इंग्लैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम के साथ थी। इन टीमों को मलिकता ने मधु किया था, जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे। हिंदुस्तान के गोरगांव में मुनक्किदा 2013 वर्ल्ड इक्वेस्ट्रियन टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में अपने इब्तदाई खिताब में अता ने आलमी तंजीम से FEI को खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार किया। शुरका ने वर्ल्ड टेंट पैकिंग फेडरेशन तश्कील दी, जिससे अता को एजाजी सदर मुंतखब किया गया। 27 अक्टूबर 2013 को अमान में मुनक्किदा वर्ल्ड टेंट पैकिंग फेडरेशन के दूसरे इजलास में अता को 4 साल तक खिदमात अंजाम देने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। उनका जिक्र BBC सीरीज माइकल पेलन की हिमालया प्रोडक्शन में हुआ था। माइकल पेलन ने जनूबी एशिया के सफर के दौरान मलिक अता की अबाई शहर का दौरा किया। इन्होंने वहां कुछ रिवायती सरगर्मियों और बेलों की रेस का प्रोग्राम देखा। वो 1983 में वन मैन और उसका हॉर्स के अनुमान से BBC की तैयार करता एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का मौजू था। मलिक अता एक दस्तावेजी फिल्म मलिक अता और रिवायती खेलों से इनकी मोहब्बत का भी उनवान था। प्रोड्यूसर सोफिया स्वायर ने अपनी टीम के हमरा कोट फतह खान में रिवायती बेलों का दौरा किया। वो PTV के 1988 ड्रामा अल्फा ब्राउ चार्ली में भी शाया हुए, जो ISPR ने प्रोड्यूस किया था और पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म के हिदायतकार शुएब मंसूर ने हिदायतकारी की थी। हाल ही में वो फिल्म वरना में नजर आए। उन्होंने एक गवर्नर का किरदार अदा किया। इसकी हवेली में कोट फतह खान में बहुत से मनाजिर की शूटिंग की गई है।